टाइम है ना 11:30 हुआ और ये बैटरी कुछ ख़राब हो गई बोल के रोक दिया इन्हें, नई बैटरी लाता हूँ बोल के। बहरहाल ये पूरा यहाँ पे बड़ा झाड़ रहा है, सो ये भी चले गया और ये भी चले गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, तो अब ये दिब्बे के सर का है, सो ये पूरा मारो कहता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह बैटरी आए पाते, अब देखना एक आधा घंटा घंटा काम रुक गया सर का, जब तो बैटरी आए पाते थोड़ा फिर काम स्टार्ट होता। बहरहाल अब देखो, अब ज़रा चलने हमें प्लॉट में अंदर चलने का, ये करने का, ये झाड़ा वाड़ा निकलने से ज़रा ये अब ये अब इसके बाद देखने का क्या होगा। तो ये जो बावली का और ये शेड का ये गिराने का देखना हमें, देखे तो जब हम पूरा हमारा प्लॉट असल दिख को आता है। ये पूरा कितना है, ये 660 गज़ है ये, तो देखो ये डिब्बा बरहाल ये पूरा झाड़ गिर गया है, अरे गिर गया सो झाड़ पूरा निकाल डाला है। अब ये पूरी मिट्टी वगैरह है, सो ये पूरी झाड़ निकले तो मिट्टी है, ये पूरा वो साइड को डाल डाल के अच्छा लेवल करके ऊंचा कर देना। और ये बावली मुचाने का देखना है, पूरी बावली जो है मुचाना, और ये शेड का भी ये दो भी फिर एक दिन हिलना कुछ बुला के एक दो घंटे में ऐसा करे सर का देखना। मगर बावली मुचाने कैसा मुचाना वो प्रोसीजर के हिसाब से करना हमें। तो क्या होता है तो जो प्लॉटिंग के सर का हो जाती है, प्लॉट को क्या होगा तो मेन जब है एक हदबंदी आ जाके वैल्यू बढ़ती, बावली नहीं है कुछ भी नहीं है पूरा फ्लैट है, तो तुमना गज़ आके तुमना एक 500-600 रुपये गज के ऊपर इंक्रीज हो जाता। तो तकरीबन हमने एक 4-5 लाख की वैल्यू हमें एक 10-15 हज़ार खर्चा करे तो बढ़ती इसकी।